यूनिवर्सिटी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन वाला यूनिट पढ़ रहे हैं। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने आपको मेमोरी क्या होती है, मेमोरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शनल यूनिट मशीन का क्यों है, ये सब समझाया था। और मैंने सीक्वेंस में आपको बताया था कि सबसे पहले मेमोरी हायरार्की आती है। हमारे पास डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेमोरी है, रजिस्टर्स हैं, कैश है, प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, और मैंने आपको बोला था कि वर्चुअल मेमोरी वाला भी कॉन्सेप्ट है। हमने ये मेमोरी हायरार्की के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। उसके बाद हमने सेकेंडरी मेमोरीज जो होती हैं, जैसा कि हमारी जिसको हम मेन मेमोरीज कहते हैं, जिसमें रैम होता है, रोम होता है, हमने उसके बारे में जानकारी ली, जिसमें हमने रैम का चिप, रोम का चिप और मेन मेमोरी को मेन क्यों कहा जाता है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, क्योंकि मेन मेमोरी सिर्फ इकलौती मेमोरी नहीं है मेरे मशीन के पास। मेरे मशीन के पास रजिस्टर्स हैं जो प्रोसेसर के अंदर होते हैं, उसके अलावा मेरे पास कैश मेमोरी है, उसके अलावा मेरे पास मेन मेमोरी है, उसके अलावा मेरे पास सेकेंडरी मेमोरी है। तो हमें इन सारी मेमोरीज की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कैश मेमोरी। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने लिखा है कैश मेमोरी डिजाइन इश्यूज एंड इट्स परफॉर्मेंस। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एंड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस टॉपिक को स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि कैश मेमोरी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, जिसमें या तो हम उसके डिजाइन के बारे में बात करते हैं या तो हम कैश मेमोरी की मैपिंग के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप नीचे गए दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक को जरूर क्लिक कीजिए, आपको पूरे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको हम कहते हैं कैश मेमोरी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैश मेमोरी कहाँ पे प्लेस्ड होती है। मैं सब स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूंगी, कैश मेमोरी एक हार्डवेयर है, ये डिजाइन किया जाता है। हम इसका डिजाइन भी देखेंगे, हम इसकी प्लेसमेंट भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैश मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, इन दोनों के बीच में होती है। ये मेमोरी इसीलिए दी गई है ताकि फास्टर एक्सेस मिल सके मेरे सीपीयू को। सीपीयू का डायरेक्ट कनेक्शन सबसे पहले कैश मेमोरी के साथ जरूर रहता है, तो इसीलिए कैश मेमोरी को हम सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में रखते हैं। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज में देखा था, मैंने प्राइमरी मेमोरी को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, एक हिस्सा था रैम और दूसरा हिस्सा था रोम। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब इफ वंस द सिस्टम गेट्स टर्न्ड ऑफ, इफ द डेटा इज नॉट सेव्ड, द डेटा गेट्स लॉस्ट। तो इसका मतलब ये है कि मेन मेमोरी में जो भी डेटा है उसको आपको लाना चाहिए सेकेंडरी में सेव करने पर, तभी जाके आप उस डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। उसका मतलब होता है वॉलेटाइल है वो। और एक है रोम, रोम है नॉन वॉलेटाइल, लेकिन रोम में इतना स्पेस नहीं है कि वो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम स्टोर कर सके, वहां पर सारे सिस्टम प्रोग्राम्स ऑलरेडी स्टोर्ड हैं। और ये नॉन वॉलेटाइल है मतलब परमानेंटली रिसाइडिंग है, और एक बार लिखने से आप उसको बार बार रीड कर सक रहे हैं। ये जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज में दी थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि रैम के दो प्रकार हैं, एक है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। एस रैम छोटा होता है डी रैम से। ये एस रैम का कॉन्सेप्ट ही कैश मेमोरी है। मैंने रैम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक को मैंने बोला एस रैम, दूसरे को मैंने बोला डी रैम। जो एस रैम वाला पोर्शन है वो मेरा कैश मेमोरी बन गया। सो कैश मेमोरी इज स्मॉलर देन द मेन मेमोरी। व्हाई आर यू टेकिंग कैश मेमोरी? कैश मेमोरी इसीलिए लिया जाता है ताकि स्पीड फास्ट हो। देखिए, यहां पे सबसे बड़ा मुद्दा स्पीड का है। सीपीयू नैनो सेकेंड्स में काम करता है, या मैं ऐसे बोलूं ये माइक्रो सेकेंड्स में काम करता है। जबकि अगर मैं आपकी सेकेंडरी मेमोरी की बात करूं, जो कि जैसे कि मेरा हार्ड डिस्क है या फिर मेरा एसएसडीज है जो आ गए हैं आज की डेट में सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, तो ये जो है ये बहुत ही स्लो है। ये किसके मुकाबले स्लो है? सीपीयू के मुकाबले।
आप ऐसे मानिए कि मान लीजिए अगर मुझे एक काम करने में 1 घंटा लग रहा है, तो वैसे ही वही काम को करने के लिए अगर मुझे 10 लाख घंटे लग गए, जितना गैप उसमें है 1 घंटा और 10 लाख घंटे में, उतना ही गैप सीपीयू और आपके सेकेंडरी मेमोरी के बीच है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर प्रॉब्लम है कि एक बहुत तेजी से काम कर रहा है, एक बहुत स्लोली डेटा दे रहा है। तो उस केस में मुझे कुछ चाहिए ना जहां से डेटा जल्दी से जल्दी मिले सीपीयू को। इसीलिए हमने ये सारे लेवल्स करे हैं, जहां पर हम प्राइमरी में स्टोर करते हैं, प्राइमरी से हम कैशे वाला कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। कैशे और फास्ट होता है किससे? मेन मेमोरी से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कैशे मेमोरी का, ये इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ है ताकि स्पीड मिसमैच जो है मेमोरी के और सीपीयू के बीच में, उसको थोड़ा कम कर सके। तो फास्टर एक्सेस के लिए ही कैशे मेमोरी को इंट्रोड्यूस किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में। तो सबसे पहले इसकी प्लेसमेंट कहाँ है ये आपको समझ आ चुका है। अच्छा, ये एसरैम है, ठीक है, तो ये छोटा है, इसमें मैं ज्यादा डाटा नहीं डाल सकती। जो बार बार मैं एक्सेस करती हूं, मैं ऐसा डाटा को कैशे में डाल के रेडी रखती हूँ ताकि वो सीपीयू को जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाए, ताकि मेरा सीपीयू उसको प्रोसेस करके फटाफट उसका रिजल्ट दे सके। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैशे मेमोरी। आशा करती हूँ कि आपको कैशे मेमोरी, उसका डेफिनेशन और उसका पर्पस और उसकी प्लेसमेंट समझ आ चुकी होगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं, कैशे मेमोरी के लेवल समझते हैं। क्या एक मशीन के अंदर एक ही कैशे मेमोरी होती है? जी नहीं, कैशे मेमोरी 3 लेवल्स की होती है। मतलब मैं कैश मेमोरी को 3 लेवल्स में मशीन के अंदर रख सकती हूँ, 3 लेवल्स ऑफ कैश में। वो डिपेंड करता है कि आपका मशीन कितने लेवल का कैश ले सकता है, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। तो आइए देखते हैं लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 कैश क्या होता है, कहाँ पे होता है और इनको रखने के पीछे पर्पस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि L1 कैश जो होता है, जिसको हम लेवल 1 कैश कहते हैं, ये ज्यादातर प्रोसेसर के साथ ही आता है। मतलब ये प्रोसेसर के साथ ही जुड़ा हुआ कैशे मेमोरी होता है, ये बाहर नहीं मिलेगा आपको। L1 कैश आपको सीपीयू के साथ ही मिलेगा, इसको हम इंटरनल कैश भी कहते हैं। तो अगर मेरे प्रोसेसर के पास, देखिए ऑलरेडी इस प्रोसेसर के पास रजिस्टर्स हैं, लेकिन रजिस्टर्स जो है वो और छोटे हैं कैशे से, तो उसमें जो डेटा होगा वो और छोटा होगा, मतलब और कम डेटा होगा। मान लीजिए सीपीयू को रजिस्टर से डेटा नहीं मिला, तो मेमोरी हायरार्की क्या बताती है कि रजिस्टर के बाद डाटा उसको कैशे से मिलना चाहिए। तो कैशे में अगर L1 कैश है, तो L1 कैश प्रोसेसर के अंदर ही है, उसकी प्लेसमेंट प्रोसेसर के अंदर ही है, तो वो वहीं से डाटा ले लेगा, सीपीयू उसको प्रोसेस कर देगा और रिजल्ट वापस बाहर दे देगा। अब इस वाले लेवल 1 कैश को हम इंटरनल कैश भी कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स L1 कैशे के लिखे हैं। इसका जो साइज होता है इस कैश का, 8 किलोबाइट से 64 किलोबाइट तक का साइज होगा। मतलब 8 किलोबाइट से 64 किलोबाइट का डेटा इस लेवल 1 कैश में स्टोर हो सकता है। उसके अलावा फास्ट तो होता ही है, ये प्रोसेसर के चिप के साथ ही आ जाता है, अलग से नहीं आता, ये प्रोसेसर के चिप के अंदर ही एम्बेड होके आता है और इसको हम इंटरनल कैश कहते हैं। थोड़े मशीन्स के अंदर सिर्फ L1 कैश होता है। अगर L1 कैश हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी कि जितने लेवल्स ऑफ कैश ज्यादा रहेंगे, उतना स्पीड आपका सीपीयू का बढ़ जाएगा। यस, आई एग्री कि L1 कैश और रजिस्टर्स और L2 कैश, इसको इस प्राइसिंग बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि L1, L2, L3 ये सब डिजाइन ही होते हैं, क्योंकि ये हार्डवेयर है। लेकिन अगर आप ज्यादा लेवल्स ऑफ कैश रखोगे अपने मशीन के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि आपका सीपीयू बहुत ही फास्ट होगा। तो आइए देखते हैं अब L2 कैश क्या करता है। L2 कैश वो है जो मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया था, ये प्लेस होता है प्रोसेसर के बाहर, ये होता है L2 कैश। कैश ही है लेकिन उसका लेवल 2 है, तो दैट इज बिटवीन सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। अब ये जो L2 कैश है, जाहिर सी बात है L1 कैश तो प्रोसेसर के अंदर है, L2 कैश प्रोसेसर के बाहर है, तो L1 और L2 के बीच साइज डिफरेंस है।
मतलब अगर ये 64 किलोबाइट का डेटा स्टोर कर सकता है तो मेरा L2 कैश 4 मेगाबाइट तक का डेटा स्टोर कर सकता है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस भी वही है, रिसेंटली एक्सेस्ड इंफॉर्मेशन जो L1 को जरूरत है वो स्टोर कर लेता है। देखिए यहां पर आप कैसे इसको इवैल्यूएट कर रहे हो, जितना जल्दी डेटा मेरे सीपीयू को मिले। अगर मान लीजिए सीपीयू के पास L1 में नहीं है, मेरे मशीन में सिर्फ L1 कैश है, और मान लीजिए अगर L1 में डेटा उसको नहीं मिला तो उसके पास ऑप्शन क्या है? इट डजंट हैव द लेवल्स, राइट? इट हैज टू कनेक्ट विद द मेन मेमोरी। मैं जितना कम मेन मेमोरी को डिस्टर्ब कर सकूं, क्यों? क्योंकि मेन मेमोरी बड़ी है कैशे से। आप मेमोरी हायरार्की में देखिए, वो वीडियो लेक्चर सीरीज मेरा देखिए, मैंने आपको समझाया था। साइज जो है आपकी रजिस्टर की छोटी होती है, और जैसे जैसे हम एक एक स्टेप नीचे चले जाते हैं आपकी साइज बड़ी होती चली जाती है। तो जितना कम हम बड़े जगहों से डेटा को लेने में डिस्टर्ब कर सके उतना अच्छा है मेरे मशीन के लिए। तो इसीलिए अगर L1 में नहीं मिला और आपके मशीन के पास L2 लेवल है तो L2 में देखिए, शायद आपको L2 से मिल जाएगा। और अगर L2 में नहीं मिला तो L3 का लेवल है, L3 में देखिए। अगर फिर भी नहीं मिला L3 में तो आप संपर्क कीजिए किसको? मेन मेमोरी को। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपने ऑप्शन बहुत दे दिए मशीन को, सीपीयू को, डेटा जल्दी से जल्दी ढूंढने के लिए। इसीलिए लेवल्स ऑफ कैश बने गए हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, L1 कैश में 64 किलोबाइट तक स्टोर कर सकते हो, L2 कैश में आप 4 MB तक स्टोर कर सकते हो। तो अगर मेरे पास मान लीजिए और एक कैश है, L3 कैश, बिटवीन L2 एंड मेन मेमोरी आई हैव L3 कैश, तो ये कितने साइज का स्टोर कर सकता है? मोर देन 4 MB। तो आपने साइज बड़ा कर दिया तो जाहिर सी बात है डेटा भी थोड़ा ज्यादा आ गया, तो पॉसिबिलिटी इस डेटा को यहां से उठा के L1 में डालने की ज्यादा हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट है लेवल्स ऑफ कैश का। तो आप यहां पर एक माइंड में डाउट आ सकता है कि मैम बिटवीन L1, L2, L3 कैश कौन सा फास्टेस्ट है? ऑब्वियसली L1, बिकॉज वन इट इज इनसाइड द प्रोसेसर, सेकेंड इट इज स्मॉलर देन L2 एंड L3, स्मॉल डेटा, स्मॉल इन साइज, easier to retrieve, so L1 is the fastest. L2, yes it is big but it is slow in speed compared to L1. Then what about L3? L3 bigger than L2, slower in speed than L2 and L1, but better than primary memory. That is how we evaluate the performance of different levels of cache. तो ये है आपके different levels of cache. तो आशा करती हूं कि आपको कैशे मेमोरी जो है वो क्या है, वो क्यों है, वो क्यों इंप्लीमेंट हुई है, उसका पर्पस क्या है, उसकी प्लेसमेंट क्या है, ये समझ आ चुका होगा। इसके बाद हमने इस वाले वीडियो लेक्चर सीरीज में लेवल्स ऑफ कैश देखे हैं। देखिए लेवल्स ऑफ कैश समझना बहुत जरूरी है क्योंकि मशीन के अंदर सिर्फ एक कैश मेमोरी कभी नहीं होती, लेवल्स होते हैं। L1 कैश हो सकता है, L2 कैश हो सकता है, L3 कैश हो सकता है, लेकिन जो L1 कैश है वो हमेशा प्रोसेसर के अंदर मिलेगा, L2 और L3 प्रोसेसर के बाहर होते हैं। तो ऐसे हम कैश मेमोरी की प्लेसमेंट समझते हैं। अब आगे चल के हम देखेंगे कि कैशे मेमोरी का ऑपरेशन कैसे होता है, जिसको हम जनरली कहते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज। ये डिजाइन है, मतलब कैश मेमोरी कहां पर है, कैसे डिजाइन होती है। जैसा कि मैंने बोला ये SRAM है, तो SRAM है तो डेफिनेटली ये RAM का चिप है, फिर से ये डिजाइन होता है। इसमें फिर आपको रीड राइट पिन्स मिलेंगे और आप वही करोगे, या तो रीड करोगे डेटा को या राइट करोगे। तो क्या टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं कैशे मेमोरी में, ये सब हम परफॉर्मेंस वाले वीडियो लेक्चर सीरीज में देखेंगे। आशा करती हूँ कि आपको कैश मेमोरी और लेवल्स ऑफ कैश अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब जुड़े रहिए मेरे साथ क्योंकि अगले वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं आपको कैश मेमोरी की ऑपरेशन समझाने वाली हूँ। मैं आपको हिट और मिस रेशियो के बारे में बताने वाली हूँ और एक फ्लो चार्ट के जरिए हम पूरा कैश मेमोरी ऑपरेशन समझेंगे, जिसको हम परफॉर्मेंस ऑपरेशन कहते हैं। तो जुड़े रहिए, तभी आपको सीक्वेंस में चीजें समझ आएंगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।